हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमांशी और आज का ये वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर का। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का ग्लो टोनर का। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पर्पल से परचेस किया था, तो ये मुझे 166 रुपीज़ का पड़ा था। और अब बात करते हैं इसके आउटर पैकेजिंग की। तो ये स्प्रे बॉटल में आता है और इसे फ्रेंड्स यूज़ करना बहुत ही इजी है। आप इसे अपने फेस पे डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी नेट वॉल्यूम है 120 ml, जो आपको 166 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगी। और इसमें कुछ मेंशन किया गया है कि नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट्स, नो एनिमल टेस्टिंग। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट और हार्म नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा टोनर है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए गए हैं और इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 3 ईयर्स की है। फ्रेंड्स, मुझे ये टोनर तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अमेजिंग लगा, क्योंकि मैं इसको खुद ही मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना पूरा फेस क्लीन करना है। फ्रेंड्स, अब रोज़ ग्लो टोनर को अपने पूरे फेस में इस तरह से स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप अपने पूरे फेस में मॉइस्चराइज़र, सीरम या कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है लैक्मे 925 cc का सीरम, जिसे मैं अपने पूरे फेस में जेंटली अप्लाई करूँगी। कुछ इस तरह से पूरे फेस में इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी हद तक उसको थोड़ा कम कर देता है। तो ये टोनर बहुत ही अच्छा है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और इस टोनर का रिव्यू। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।